दिल्ली NCR में मौसम ने अब करवट लेनी शुरू कर दी है। शाम और सुबह के वक्त जहां बादलों की आवाजाही की वजह से लोगों को सर्दी का एहसास होने लगा है, यही नहीं लोगों ने अब रात के वक्त अपने घरों में AC चलाना भी काफी हद तक कम कर दिया है। आलम यह तक है, बदलते मौसम की वजह से ज्यादातर लोग अब रात के वक्त पंखे चलाना तक बंद कर चुके हैं। मौसम में हो रहे इस बदलाव पर जब वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दिल्ली NCR में आज और कल यानी मंगलवार और बुधवार को धूप हल्की होगी, कहीं कहीं पर बादल भी रहेंगे। इसके अलावा बात करें अधिकतम और न्यूनतम तापमान की तो अधिकतम तापमान आज दिल्ली NCR में 30 से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान में आज और कल दो दिन लगातार गिरावट होगी। आज से दिल्ली NCR का न्यूनतम तापमान लगभग 17 से 18 डिग्री सेल्सियस तक रहने का पूर्वानुमान मौसम केंद्र ने जारी किया है। मोहम्मद दानिश के मुताबिक दिल्ली NCR का न्यूनतम तापमान अब गिरना शुरू हो गया है। मंगलवार और बुधवार को न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जिस वजह से रात में लोगों को सर्दी का एहसास होगा। दो दिन दिल्ली NCR में हल्की धूप रहेगी, बादलों की आवाजाही रहेगी, जिस वजह से दिन के वक्त का भी टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है। फिलहाल वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश की माने तो दिल्ली NCR में 25 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच अच्छी ठंड दस्तक दे सकती है, यानी दिन के वक्त भी लोगों को अब सर्दी का एहसास धीमे धीमे होना शुरू हो जाएगा। मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के मुताबिक 1 नवंबर से लेकर के लगभग 15 नवंबर के बीच दिल्ली में कड़ाके की सर्दी देखने के लिए मिलेगी, यानी कोहरे के साथ ही लोगों को अच्छी ठंडी का एहसास नवंबर में ही होना शुरू हो जाएगा। अक्टूबर से मौसम बदलने लग जाएगा, यानी कह सकते हैं कि दिल्ली NCR के लोगों को अब अच्छी ठंडी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। बुधवार के बाद यानी दिल्ली NCR का मौसम गुरुवार से लेकर रविवार के बीच अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के मुताबिक इस सप्ताह मौसम में उतार चढ़ाव होते रहेंगे। दिल्ली NCR में हो रहे मौसम में बदलाव पर मौसम केंद्र लगातार नजर बनाए हुआ है। दिल्ली से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, लोकल 18।